हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहले एपिसोड नहीं देखी है, मैं आपको वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एक बार जरूर चेक आउट करना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टियांडो आर्मी के सप्लाई कैंप का सीन दिखाते हैं, जहां पर हम देखते युगॉन अपनी 50 से 60 ट्रूप्स के साथ वहां पर आया होता है। इसके बाद सारे के सारे ट्रूप्स अंदर चले जाते हैं और वहां रखे सामान को दबा करने लगते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के जीनलू एम्पायर में आ जाता है। यहां पर वेलिना के साथ हाउजे भी आया होता है। इसके बाद वो कहता है कि मैं जीनलू एम्पायर के आर्मी को रोक करके रखूंगा। इस पर वेलिना उसे याद दिलाती है कि तुम्हें बस उन्हें रोक करके रखना है, इसलिए तुम उनसे ज्यादा फाइट मत करना, क्योंकि हमारा टारगेट तो उन्हें बिजी रखना है ताकि वो लोग टियांडो आर्मी का हेल्प ना कर सके। इस पर हाउजिप कहता है टियांडो आर्मी ने मिलियनस में सोल्जर को खट्टा करके रखा है, जिसकी वजह से बैटल बहुत खतरनाक होने वाला है, इसलिए तुम भी अपनी ख्याल रखना। इस पर वेलिना कहती है ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वेलिना का भाई हाउजे से कहता है कि क्योंकि उनका मेन काम सोल मास्टर को टीच करके रखना है, इसलिए वो हमेशा श्रेयस रहेगी। इसके बाद यह लोग वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद हमारे सिन शिफ्ट होकर के एल्डर युगॉन पर आ जाता है। तब वो कैंप के अंदर जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी ट्रूप्स को हिलने तक नहीं दिया था और उनको उनकी ही जगह पर फ्रीज कर दिया था। यह देखकर एल्डर युगॉन पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने ट्रूप्स को चुड़ाने के लिए अपनी गोल्डन टाइटल का इस्तेमाल करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ की हर चीज दबा होने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको छुड़ा नहीं पाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उनकी ट्रूप्स फ्रीज हुए थे, उनकी क्रिस्टल पूरी तरह से टूटने वाले हैं। इसे देख करके एल्डर युगॉन सोचता है यह सभी तो अभी तक टूट नहीं रहे थे, अब क्या हो गया। तभी वहाँ पर कोई कहता है तुम इन लोगों को बचा नहीं सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे ट्रूप्स एक के बाद एक करके मारे जाते हैं। यह देख कर एल्डर युगॉन चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो, क्या तुम सुप्रीम सोल मास्टर हो। इसके बाद वो सोचने लगता है यह जो भी हो इसने 50 एलाइट सोल मास्टर को मार दिया है, इसके बाद मैं पूरी तरह से अकेला हो गया हूँ। अब यह सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद एल्डर युगॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं टेंशन उसे चारों तरफ घेरने लगता है और उसे बाहर जाने नहीं देता है। इसके बाद टेंशन कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो जाने की इतनी जल्दी क्यों है। इस पर एल्डर युगॉन हुए कहता है कि तुम कौन हो। इसके बाद टेंशन ने अपनी डोमिन का इस्तेमाल करके एल्डर युगॉन का फ्लावर को रोकने लगता है और बताता है कि यह मेरी ब्लू सिल्वर टाइगर वेल डेमन स्कल का डोमिन है। इसके बाद एल्डर युगॉन उस डोमिन से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टेंशन उसे नीचे पटक देता है। इसके बाद एल्डर युगॉन टेंशन को देखते हुए कहता है टेंशन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मिल गए, क्योंकि अब तुम सीनियर युगॉन ग्रैंड सोल मास्टर से मिलोगे। इस पर टेंशन कहता है क्या तुम गोस्ट मास्टर का बदला लेना चाहते हो। इस पर एल्डर युगॉन कहता है कि मैं जानता हूँ, यह मुझे पता है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी सोल पावर को इस्तेमाल करने लगता है। तब हम देखते हैं इनकी पावर इतना ज्यादा होती है कि वहाँ पर की पूरी जगह कांप उठते हैं। इसके बाद एल्डर युगॉन यह सब करते हुए कहता है अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं खून का बदला खून से ही लूंगा। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर युगॉन की डोमिन ने टेंशन का डोमिन को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस पर टेंशन सोचता है इनकी सोल पावर अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए वो किसी सीक्रेट पावर को इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एल्डर युगॉन पास इतने ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगता है, जिसके हेल्प से होम मार्शल फ्रॉम को एक्टिव कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर युगॉन की शरीर में एक गोल्डन कलर के सील्ड बन गया होता है, जिसके बाद वो टेंशन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब टेंशन आर्मिंग स्पिरिट बोन इस्तेमाल करते हुए डिपेंड करता है। इसके बाद वहाँ एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है। तब यह लोग एक दूसरे से दूर जाकर रुकते हैं। इस पर टेंशन कहता है तुमने एक पावरफुल अनब्रेकेबल पावर को क्रिएट किया है, लेकिन इस टेक्निक से तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इस एल्डर युगॉन कहता है तुम बातें मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं मरने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ मर जाओ। जिसके बाद वो अपनी सिक्स्थ सोल टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसके बाद जिवू इस अटैक टेंशन को बचा लेती है। टेंशन से बताती है हम लोग इसी तरह से टेलीपोर्ट होते हुए उसके अटैक से बचते रहेंगे तो जल्दी उनकी लाइफ की एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो मारा जाएगा। इस पर टेंशन कहता है कि वो एक ऐसा वरियर है
जिसने इस फाइट के लिए उनका सब कुछ लगा दिया है, इसलिए वो अभी रिस्पेक्ट रिजर्व करता है। जिसके बाद वो जिवू को बाहर छोड़ते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर मेरा इंतजाम करना। फिर वो एल्डर युगॉन से कहता है चलो अब मैं आ गया हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी भी सिचुएशन में यहाँ से भागूंगा नहीं। इस पर एल्डर युगॉन अपनी एट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रीमर स्ट्राइक का अटैक करता है। इस पर टैंक्शन डेमन राइट आर्म लेग सोल बोन का इस्तेमाल करता है और टाइगर व्हील चैप्स का लॉन्च कर देता है, जिसके तुरंत बाद वो अपनी लेफ्ट आर्म टाइटन जॉइंट की सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल पंच को लॉन्च करता है, जिसे एल्डर युगॉन डिपेंड करने का कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता है। इसके बाद वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी एल्डर युगॉन अपनी फिफ्थ सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को लॉन्च करता है। इस टैंक्शन अपनी हाउटियन हैमर का इस्तेमाल करते हुए उसे डिपेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्डर युगॉन की स्पीड इतनी बढ़ गई होती है कि उससे बचने के लिए टैंक्शन अपनी हैमर का सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद इस अटैक से एल्डर युगॉन बहुत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वो गुस्से में एक और अटैक को टैंक्शन पर लॉन्च कर देता है। इसे टैंक्शन अपनी हैमर से डिपेंड कर लेता है। फिर इसके बाद एक पावरफुल अटैक को एल्डर युगॉन की तरफ लॉन्च करता है, लेकिन इन सभी अटैक को एल्डर युगॉन ने बहुत ही इजीली डिपेंड कर पा रहा होता है। वही हम देखते हैं इस फाइट से इतनी एनर्जी निकल रही होती है, वहाँ के आसपास की जगह दबाव होने लगते हैं। तभी यह लोग लड़ते लड़ते उस कैंप के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर युगॉन की गोल्डन शील्ड टूटने लगी है। इस पर टैंक्शन अपनी गॉड किलर डोमिन का इस्तेमाल करता है, इसे एल्डर युगॉन ने एक झटके में तोड़ देता है। तभी टैंक्शन अपनी 5 टीएच सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे देख कर के एल्डर युगॉन कहता है यह 5 टीएच सोल टेक्निक मुझे क्या कर सकती है। इसके बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो स्पीयर आकर के उसे लगता है और सीधे ही शोल्डर के आर पार हो जाता है। लेकिन इतनी इंजर्ड होने के बाद भी रुकता नहीं और टैंक्शन पर लगातार अटैक करने के लिए चला जाता है। वही टैंक्शन अपनी हाउटेन हैमर का रैंडम हैमरिंग इस्तेमाल करता है, जिसे डिपेंड करने के एल्डर युगॉन अपनी गोल्डन पैटर्न का इस्तेमाल करता है। लेकिन टैंक्शन का अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि उनका गोल्डन शील्ड टूट जाती है और एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट के साथ एल्डर युगॉन नीचे गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पार्ट एक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।